भाई याद ही सॉरी पिया ग्राडिया बनन भाई शोएब अभी नीचे तमाशा हमने देखे आपने देखा तमाशा हमने ऊपर करके तमाशा देखा वेले मुटे का जो फंक्शन था अल्हम्दुलिल्लाह वो गुजर चुका है वो सारे मैं आप लोगों को दिखा दूंगी एंड सेकंड बात अब भाई से पूछते हैं हम कहाँ जा रहे हैं यहाँ मतलब लिमिट होती है ना मोटरवे की अराउंड अबाउट 120 के पहले तो क्रूज लगाया हुआ था अब तो आई साइड बिल्कुल जीरो हुआ बड़ा 60 भी बड़े मुश्किल से आ रहे वो भी हम बस को फॉलो कर रहे हैं अदरवाइज 60 बस को ही फॉलो करके हम जा रहे हैं बिल्कुल ना होने के बराबर ठीक है यार चलो अल्लाह हाफिज बहुत का अल्लाह खैर करिए 3 जी जब पिए भाई मैं हां वेदा पिया वेदा ने गॉटन एज टाइड ओ गाइस चवी चिकी जो फंक्शन था अल्हम्दुलिल्लाह वो गुजर चुका है वो सारे मैं आप लोगों को दिखा दूंगी एंड सेकंड बात अब भाई से पूछते हैं हम कहाँ जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं सियालकोट यहाँ से मैप लगाया हुआ तकरीबन 550 किलोमीटर सफर बनता है यहाँ से सियालकोट का उससे भी थोड़ा आगे जाना है एक सोशल मीडिया की दुनिया के शाहकार हैं उनसे आपको वहीं पे जाके मिलाएंगे तो यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगी ठीक है तो अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करती हूँ तमाम फ्रेंड बिल्कुल ठीक होंगे जहाँ पर रहे खुश रहे हंसते रहे मुस्कुराते रहे तो आज मैं गाड़ी में इसीलिए हूँ क्योंकि आज हम कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत लंबा सफर टाइम आप लोगों को दिखा देती हूँ 1:24 हो चुके हैं तो माशाल्लाह अपने हम सीधे रास्ते पर चढ़ चुके हैं मतलब तो चढ़ने वाले हैं तो रवा दवा है माशाल्लाह तो अभी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी कि कहाँ जा रही हैं तो वहाँ पर जाके ही मिलवाऊंगी हमारे मशहूर एक यूट्यूबर ही हैं तो वो मेरे भाई की शादी पे भी आए थे आगे आप लोग समझदार हैं लेकिन आपको आगे जाके थोड़ा बताऊंगी कितना 550 किलोमीटर चौक मुंडा से आगे अभी इतना पड़ा है तो हम चौक मुंडा से पीछे भी इतना सफ़र करके आए हैं और अब इसके आगे और सफ़र इतना ज़्यादा है तो आप लोगों ने दुआ करनी है कि हमारा सफ़र खैरियत से गुजरे माशाल्लाह चौक मुंडा के करीब पहुंच चुके हैं लेकिन वो ना लाइट मैंने जलाई मुंडा के अंदर ही है बिल्कुल मीनार के साथ तो वो ना नजर नहीं आ रहा था चौक मुंडा को करते हैं अल्लाह हाफिज और मेरी तरफ से सब चौक मुंडा वालों को अस्सलाम वालेकुम भले ओए बकिया तो तू बोल पई दिल करना में बोलो ना नहीं सेट आगे है रश डाले के साथ डाला चढ़ा जा रहा है और हम मांडी जा रहे हैं कहते हैं माशाल्लाह पंप पेट्रोल पे आ चुके हैं तो पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं टैंकी फुल करवा लेते हैं उसके बाद सफर पे जाएंगे पंप पेट्रोल पे आ चुके हैं पेट्रोल डाले तो फिर चलते हैं सीधा यहाँ से हम लेज पकड़ रहे हैं क्योंकि रास्ते में खाएंगे तो भाई यहाँ पर लोकेशन लगा रहे फाइनली गाइस लेज आ चुके हैं तो सिस्टर खाने में लगी हुई है भाई ने स्ट्रिंग अभी से पी लेकिन भाई ने स्ट्रिंग पी लिया तो अब सीधा चलते हैं सफर पे यहाँ पर क्या दे रहे हैं टोल प्लाजा पहला दे रहे हैं मुल्तान का माशाल्लाह माशाल्लाह मुल्तान आ चुके हैं तो मुल्तान से सीधा जा रहे हैं आगे और क्या होते हैं हम ज्यादा सफर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आए हुए थे कहाँ पर चौक मुंडा तो चौक मुंडा से अब सीधा जा रहे हैं क्योंकि हम वापस जाते तो हमें बहुत ही ज्यादा सफर बढ़ जाना था तो इसीलिए फिर हम जा रहे हैं अब सीधा मुल्तान वाली साइड से अच्छा यहाँ पर आप लोग ना चेक कर सकते हो यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ बस लाहौर फैसलाबाद इस्लामाबाद तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं मोटरवे पे अब चढ़ रहे हैं ना मैं कह रही थी बैठ रही मोटरवे पर यहाँ पर चेक करो कहाँ पर खड़े हैं ये ना नींद हटाने वाला एक प्रकार M3 पे जो पहला रेस्ट है जगह है ना उस पे खड़े हैं M3 पे एक बाहर मौसम उसे ड्राइवर के लिए फेवर ये है कि इस वक्त ना रात को जो रश है तो M3 पे वो काफी कम होता है क्योंकि ये थोड़ा शॉर्ट हुआ है ना इसीलिए तो क्या होता है इसीलिए ड्राइवर हमारे जो है ना वो डांस कर रहे हैं ताकि मेरी नींद ना आए का टाइम है 3 बजे सोने का भाई का तो इसे तकरीबन 3 बजे नहीं वैसे भी हाँ 3:30-4 बजे तो सोता हूँ काम करने के बाद तो अमूमन अब वो टाइम हो गया है 4 हो तो गया। और वैसे भी ड्राइविंग करना बहुत ही मुश्किल काम है ओए ओए अरे तेरे को याद है तेरे को पता है ड्राइविंग करना मुश्किल है ड्राइविंग तो मेरा शौक है हूं बता कौन को बिला रहे तो बात अल्लाह ही खैर हां अल्लाह ही मालिक है एसी देख नहीं सिटी गाड़ी है वो खड़ी है पता है
उनको पता है भाई यहाँ पे पी रहे हैं चाय, क्योंकि भाई ने आगे ना सफर करना है, मतलब गाड़ी चलानी है, तो इसीलिए। ओ आधेन, क्या कहा था अभी आपने? चाय शराब तो पिया है लेकिन कभी शराब भी पिया है। मतलब ना दो इसे कीमत, तीसरा इजाफी चार्ज का। अच्छा क्या होता है, लाहौर से ना 30 किलोमीटर हम दूर हैं, तो यहाँ पर ना स्मोक इतनी ज़्यादा है भाई, मतलब चीज़ें आगे से शो नहीं होती कि क्या चीज़ है क्या नहीं, बड़ी मुश्किल से पता चलता है, बहुत ज़्यादा स्मोक है। 30 किलोमीटर दूर है, पता नहीं शायद यहाँ पर शायद फसलें ज़्यादा हो सकता है ऐसा। अच्छा क्या होता है, पहले तो ना हम 120 की स्पीड में जा रहे थे, क्या लगाया हुआ था पता नहीं, वो मुझको अच्छा वो ना यहाँ मतलब लिमिट होती है ना मोटरवे की अराउंड अबाउट 120 के, तो पहले तो क्रूज लगाया हुआ था, अब तो आई साइड बिल्कुल जीरो हुआ, बड़ा 60 भी बड़े मुश्किल से आ रहे हैं, वो भी हम बस को फॉलो कर रहे हैं, अदरवाइज 60 बस को ही फॉलो करके हम जा रहे हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर हुआ पड़ा है। इतनी ज्यादा स्मोक, इतनी ज्यादा स्मोक, मतलब कुछ नजर ही नहीं आ रहा, हम 25 को 26 किलोमीटर है लाहौर, बस को हम फॉलो कर रहे हैं। अच्छा 6 बज के कुछ मिनटों पर तो सूरज निकल आना चाहिए था, 5:37 अभी हुए हैं, 6 बजे के बाद ही सनराइज होता है, फिर इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, बस खैरियत से पहुंचे। बहुत ज़्यादा कसम से कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, तो थोड़ी सी ना धुंध हटी है, तो अगली वाली बस भाग पड़ी, तो मैंने कहा साथ मंडी जाओ ताकि अगर ज़्यादा आगे धुंध आई ना तो साथ साथ लाइट तो नज़र आएगी कि आगे कुछ जा रहा है, क्योंकि हमारे पीछे पीछे साथ साथ ही है गाड़ी। हम मोटरवे पे इस तरह जा रहे हैं जैसे कोई बारात जा रही हो, आगे बड़ी बस है, फिर बस जा रहे हैं, फिर कार के मंडी वन चाचा मंडी वन ऐसा को पूछा दे। बोले गाइस माशाल्लाह लाहौर की सुबह, गाइस लाहौर के मेरी तरफ से सब लाहौर वालों को अस्सलाम वालेकुम चाचा। गाइस हम आ चुके हैं पता नहीं किधर, मुझे खुद नहीं पता चल रहा, पहुंच गए चाचे घर, साथ साथ कार्यालय पहुंच गए चाचे को, चाचू को कुछ ये तो जब उतरते हैं तब नहीं आती, तो अभी तो हमने सियालकोट जाना है, रास्ते में क्यों आ गए समझ नहीं, वो M11 की नहीं लेनी पड़ी। अच्छा गाइस समझ आ गए, हो गया गाइस 530 टोल प्लाजा, ये हम चढ़े थे मुल्तान से आगे मेरे ख्याल में खानेवाल टोल प्लाजा थे, और यहाँ फिर 500 रुपया दिए, 530 अच्छा 530 का टीका। और ये हमें गवर्नमेंट टीके लगाती है, और फिर ये जब फैसिलिटीज देने का नाम आता है तो फिर ये कहते हैं कि हाँ आप लोगों ने हमारे लिए किए कुछ नहीं, आप लोगों ने टीका दिया ही नहीं है, आप लोगों ने टीका लगवाया ही नहीं, हालांकि हम टीका लगवाते हैं, टीका भी 4-5 घंटों में 500 का लगवाते हैं, और ये तो कुछ भी नहीं है अभी, ये तो एक छोटे से टीके की छोटी सी सरिंज का सुआ है, अभी तो जो लगनी है चाचे ने मांडी हुई थी अभी गाड़ी, वो इधर देखो गाइस, अब हम दोबारा इंटर हो रहे हैं, किधर होते हैं, किधर जा रहे हैं, सियालकोट का जो दूसरा टोल प्लाजा उसको पार करेंगे, एम इसके अंदर तो कोई बैठे ही नहीं है लगता है, नहीं स्लिप क्यूआर कोड स्लिप की जरूरत नहीं है, सिर्फ सफर जारी रखे, जाने दे वो, जाने दे गाइस इधर बोर्ड लगा हुआ था, मैं आपको दिखा दूं, वो जान दे वो देखे, इधर लिखा हुआ है वाओ गाइस, अगले वाले ट्रक में खुद कह रही है मैं कि बैठ जा रही, अगले ट्रक में ना कट्टे जा रहे थे भाई, कहता तेरी बैठ नहीं है माजे, ओए काट बाबूजी सियालकोट, बाबूजी सियालकोट वेलकम सियालकोट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये एनिवर्सरी है आयो शहर, पता है यहाँ गाय डकी होती है यहाँ पर हमने देखे एक जहाज बोटर से साइकिल कैसे चलाई जा रहा है, साइकिल टायर देखो मेरा साइकिल टायर, सबर सबर साइकिल टायर दिखा, ओए उधर कपड़े
माशाल्लाह माशाल्लाह गाइस वाओ क्या कोठी है। अच्छा क्या होता है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब मैं आपको बता देती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। भाई सुहेब पेंडू के पास जा रहे हैं जो हमारे भाई की शादी पे आई थी इतना दूर से, तो माशाल्लाह माशाल्लाह पहुँचने वाले हैं। मेरे ख्याल में आ चुके हैं। पूरे रात दिन का सफर करके हम करके मेरी आंखें इधर देख सकते हैं आप लोग, आंखें रेड हो चुकी है। तो इंशाल्लाह भाई ड्राइव कर करके थक गए हैं और आगे और अभी हम जब जाएंगे ना वहाँ पर पहुँच जाएंगे, उसके बाद करेंगे आधा घंटा या घंटा रेस्ट करेंगे, तो उसके बाद आगे जहाँ जाना है वो वहाँ पर फिर आगे जाके अगले व्लॉग में बताएंगे कि कहाँ जाने वाले हैं। जिसके लिए आए हैं वो गाइस इधर खोता जा रहा है और आप उसके अलावा कुछ नजर ही आ रहे हैं मुझे तो वो भी बता दो, वो दूसरा खोता गाइस ये लगता है ये घर है उनका। यस लगता नहीं है यही है। सुबह सुबह निकले खड़े हैं हम, थोड़ी देर तक निकलते हैं, मुझे शर्म आ रही है। चल निकलो निकलो आ चुके हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह अंदर आ चुके हैं, कुछ सुकून आया है कि मतलब आ चुके हैं। सीरियसली हाय हाय सांस पे सांस आ रहे हैं। सामने हम दोनों बैठी हुई हैं, सामने शीशा लगा हुआ है, यहाँ पे बेड चेक कर सकते हैं। वाह ये बेड प्यारा है, सिंपल है ना भाई। आते ही सो गए हमारे लिए जूस आ चुके हैं, बिस्किट और लेज वगैरह आ चुके हैं, तो इनको खा के हम सीधा सो जाएंगे, और खाने का कुछ मूड नहीं है कसम। माशाल्लाह माशाल्लाह जूस बिस्किट और लेज आ चुके हैं भाई, शुरू हो रहे हैं हम भी शुरू हो रहे हैं प्यास लेके लिए। पहले जूस पे बिस्मिल्लाह, मच्छर पहले आ गए सबसे पहले पीने के लिए, पी लो। अब हम आपके लिए रिक्वेस्ट करेंगे फिर हमें दे दो, मुझे दे दो फिर। पर चेक करो नीचे से कट्टू नजर आ रहे हैं, हम ऊपर ऊपर अभी एक ऊपर भी है दू है नहीं हो दू है उधर देखो इधर आओ इधर दू कैटी ऊपर देखो कैटी कैटू। गाइस इधर चेक करो माशाल्लाह दरबार, ओह नहीं मस्जिद सामने एक और मस्जिद वाह। हम अभी हम ना ऊपर वाली मंजिल पे जा रहे हैं, वहाँ पर आपको जाके दिखाती हूँ परिंदे। हमारा खाना माशाल्लाह आ चुका है, सुबह सुबह का नाश्ता, लेकिन आप लोग उठ कब रहे हो? तो एक बज गया बड़े अच्छा मुझे पता है जो जो कुछ बना हुआ है, क्योंकि मैं साथ बैठी रही थी जब बन रहा था, तो उस वक्त मैंने व्लॉग नहीं बनाया। एक है चावल और देसी मुर्गा था, या पता नहीं कौन सा मुर्गा था, खाना रोटियां रायता रायता चावल चावल सालन सालन। सबसे पहले कौन उठा? मैं उठी गाइस। गाइस इतना मुंशी बोटिया का डैब है शर्म मंजा ए पिंड ए कर इन्ने ज्यादा कर ते ए पाई जो ये बंदा कर गड्डी वाला आया। गाइस यहाँ पर ना लकड़ी की जगह ना पाथियाँ यूज किए जाते हैं, मतलब ये जो आपको नीचे नजर भी आ रही है दीवार के ऊपर, मैं तो चाय पी रही हूँ मुझे ना दिखा पाथियाँ। गाइस वो देखो आपको हर घर के साथ नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ पे लकड़ियाँ नहीं होती तो ज्यादातर लोग यही यूज करते हैं। हमने भी यही आज यूज किया। तुमने तो नहीं की? हमने मतलब मैं साथ बैठ रही हूँ तो हमने मिल के की है ओए वो छोटा बिल्ला बैठा है मिला पसंदीदा कैट है, ये इतना शान है। मानी मानी ऊपर देखो चेक करो शान। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं ऊपर, आप लोगों को जाके दिखाते हैं परिंदे। एक सेकेंड वे ऊपर दो है, एक और भी है। वाह गाइस ये तो कुकड़ियाँ चेक करो, ये कुकड़ी चिट्टी देखो कैसी रंग की है, कबूतर। अच्छा वो वाला जो रेड कलर का चूचा है ना, ये हम चौथी मंजिल पे आए हुए हैं तो ये ना सुबह सुबह ना ऊपर खड़ा हुआ था यहाँ पर, कसम से मैंने कहा ऊपर चूचा कैसे चढ़ा हुआ है खुरली। यहाँ पर बकरी भी है गाइस उधर मस्जिद देखो
यही है नहीं इसमें फ्लोर पे ये पांचवा है ना आंटी पांचवा है ना पांचवे फ्लोर पे और मुझे ना चक्कर आ रहे हैं कसम से गाइस इधर देखो इधर इधर आपको दिखाती हूँ फिर भी जोएब भाई का पिंड चेक करो गाइस जोएब भाई का पिंड ये रही जोएब भाई की मस्जिद जो आप लोग जोएब भाई के व्लॉग में अक्सर देखते होंगे उसके बाद इधर क्या है मेरा हाथ कांप रहा है कि मेरा मोबाइल ना कहीं गिर जाए वो रही हमारी शहजादी ये रही मस्जिद ये रहा पिंड दूर दूर तक फसलें इधर घर बड़े हैं हाय महक गाइस इतने मोर ने है एक मिनट ओ गाइस वो देखो मोर तू अपने कपड़ों का ख्याल रखना बाद में ले ले तो नहीं बच्चे 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 है तोते वाओ तोते इस दाने नहीं खाता मुन्ना देखो गाइस वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट्स ओके अल्लाह हाफिज थैंक्स फॉर वॉचिंग